100 शहर 100 खबर ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता पीवी सिंधु लौटी हैदराबाद हैदराबाद में सिंधु के स्वागत की शानदार तैयारी ओलंपिक मेडलिस्ट के स्वागत के लिए खास इंतजाम डबल डेकर बस में निकलेगा सिंधु की जीत के जश्न का जुलूस सिंधु के माता पिता समेत कई समर्थक एयरपोर्ट पर सिंधु की अगवानी के लिए पहुंचे रियो में दो मेडल हासिल कर मेडल टैली में भारत 67वें स्थान पर रहा अमेरिका नंबर वन ब्रिटेन नंबर टू पर रहा 2012 लंदन ओलंपिक में भारत को मिले थे 6 पदक पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में चौथा दिन भी बारिश में धुला 4 दिन में सिर्फ 22 ओवर का ही हो सका खेल टेस्ट रैंकिंग में भारत की बादशाहत को लग सकता है झटका दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हॉस्टल में छात्रा से रेप की सनसनीखेज वारदात आरोपी छात्र गिरफ्तार पीएचडी की छात्रा का आरोप फिल्म सैराट की सीडी देने के बहाने आरोपी ने हॉस्टल बुलाकर किया रेप पीड़ित छात्रा का बयान कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म आरोपी छात्र आयसा का कार्यकर्ता मुंबई के कांदीवली में 28 साल की महिला और उसकी 6 साल की बेटी का शव मिलने से हड़कंप पुलिस ने पति को हिरासत में लिया पुलिस के पहुंचने पर महिला का पंखे से लटक रहा था शव तलाशी के दौरान बेडरूम में मिली बच्ची की लाश उमरगाम में दो शिपिंग बोट समंदर में डूबी मछुआरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी नेवी और कोस्ट गार्ड की ली जा रही है मदद मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बारिश में 4 मंजिला इमारत धराशायी पिलर के बीच फंसी महिला को 6 घंटे बाद बाहर निकाला गया उज्जैन में उफनते नाले को पार करते समय तेज धार में पलटी बस बस में सवार यात्रियों की बाल बाल बची जान ग्रामीणों ने बस को रस्सी से बांधकर बहने से रोका यात्रियों को एक एक कर बस की खिड़की से बाहर निकाला गया भोपाल में कलिया के पास मशीन युवक लहरों में फंसे प्रशासन ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बेटे को कंधे पर लेकर पुल पार करते समय पानी की तेज धार में फंसा पिता स्थानीय लोगों ने बचाई जान होशंगाबाद में 5 दिन पहले उफनती नदी में बुलेरो के साथ बहे युवक की लाश बरामद 2 दिन से जारी था रेस्क्यू ऑपरेशन मध्य प्रदेश के रतलाम में बाढ़ का सितम 2 दर्जन गांव जलमग्न कई गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी बाढ़ का तांडव चंबल समेत सभी नदियां उफान पर कई गांव जलमग्न उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद गंभीर डैम के 4 गेट खोले गए नदी में उफान से घाटों पर बने मंदिर पानी में डूबे मध्य प्रदेश के पन्ना में बाढ़ का प्रकोप जारी 12 से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क राजस्थान के धौलपुर में पुल पार करते समय पानी के तेज बहाव में बहे 2 बाइक सवार एक को बचाया गया दूसरे की तलाश जारी राजस्थान के प्रतापगढ़ में भी बाढ़ से कई इलाके जलमग्न बाढ़ में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन यूपी में भी कई जिलों में बाढ़ से कोहराम वाराणसी में बाढ़ इलाकों में एनडीआरएफ टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी झांसी के माताटीला बांध से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यूपी के जालौन में बेतवा नदी उफान पर कई गांव जलमग्न इलाहाबाद में बाढ़ से कई इलाकों में बिगड़े हालात एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव में जुटी यूपी के मिर्जापुर में गंगा में उफान से कई इलाकों में तबाही मवेशी और जरूरी सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं यूपी के हमीरपुर में चेक डैम में नहाते समय 3 युवकों की मौत घरों में पसरा मातम यूपी में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरकार ने लखनऊ में बनाया बाढ़ निगरानी केंद्र अफसरों की भी तैनाती उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने पौड़ी गढ़वाल पहुंचकर बादल फटने से हुई तबाही का लिया जायजा हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से भी की मुलाकात यूपी के बांदा में केन और यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर बिहार में भी कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार पटना में 40 साल बाद बाढ़ का खतरा गंगा किनारे स्थित स्कूलों में छुट्टी घोषित इंद्रपुरी बैराज से 11 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण छपरा शहर में घुसा पानी कई इलाके जलमग्न समस्तीपुर के मोहनपुर प्रखंड में गंगा पर बने बांध के टूटने से कई गांव जलमग्न सैकड़ों लोग बेघर हुए सोन नदी में उफान से भोजपुर में कोयलवर का पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में 1975 के बाद सबसे भीषण तबाही गुजरात के राजकोट में रिटायर्ड डीआईजी रिजी बंजारा की रैली में उड़ी कानून की धज्जियां समर्थकों ने जश्न में की फायरिंग सहारनपुर के नांगल टपरी रेलवे स्टेशन पर वायर टूटने से रेल सेवा प्रभावित सहारनपुर मुजफ्फरनगर मेरठ रेलवे रूट पर कई ट्रेन गई मिर्जापुर में ओजला पुल पर गंगा नदी में कजरी महोत्सव का आयोजन नौका दौड़ में कई नौकाओं ने लिया हिस्सा
यूपी पुलिस का सामने आया बेरहम चेहरा। बिजनौर में बेहोशी की हालत में युवक को पुलिस ने मारे जूते, बाद में की थप्पड़ों की बारिश, आरोपी सिपाही लाइन हाजिर। नवादा के कोकौल में तारकोल डैम में नहाने गई चार छात्राएं डूबी, नक्सल प्रभावित इलाका होने से बचाव कार्य में आई दिक्कत। अमृतसर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए अरुण जेटली, बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी किया संबोधित। अलवर से बीजेपी सांसद महंत चांदनाथ का पार्टी में ही शुरू हुआ विरोध, बहरोड से पार्टी विधायक डॉक्टर जसवंत ने मांगा सांसद का इस्तीफा। कर्नाटक के मैंगलोर में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं की मौजूदगी। हिमाचल के सोलन में बीजेपी की तिरंगा यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी हुए शामिल। 27 साल यूपी बेहाल नारे के साथ कांग्रेस की संदेश यात्रा सुल्तानपुर पहुंची, राजबब्बर ने केंद्र और अखिलेश सरकार पर साधा निशान। असम के शिवसागर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा के दौरान हादसा, जोरहाट से सांसद कामाख्या प्रसाद तासा बाइक से गिरकर घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। शाहजहांपुर में जनसभा में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का अखिलेश और मायावती पर वार, कहा बीएसपी में भ्रष्टाचार है तो सपा में जंगल राज। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटका, आसनसोल में चार पार्षद बीजेपी छोड़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल। लोहरदगा में झारखंड के सीएम रघुवर दास ने विकास योजनाओं की रखी आधारशिला, हथियार नहीं छोड़ने पर नक्सलियों को अंजाम भुगतने की दी चेतावनी। सीकर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा के दौरान हंगामा, संत रामपाल के समर्थकों ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ की नारेबाजी। गुजरात के नर्मदा में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा आदिवासी समाज, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बकाया भुगतान नहीं मिलने से नाराज गन्ना किसानों ने बागपत में बुलाई पंचायत, आंदोलन की दी धमकी। मथुरा में रेलवे को हादसे का इंतजार, कासगंज आगरा पैसेंजर ट्रेन में जाम में डालकर छत पर सफर कर रहे हैं यात्री। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को निराशा, बारिश में जाम में फंसने के कारण देर से पहुंचने पर भर्ती में शामिल नहीं होने दिया गया। यूपी के रायबरेली में रेलवे स्टेशन से अगवा कर 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, बुरी तरह घायल बच्ची अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के यमुनानगर में राह चलते छेड़खानी करना एक शख्स को पड़ा महंगा, महिला ने जमकर की पिटाई। गुजरात में दलितों पर अत्याचार जारी, अहमदाबाद के पास एक गांव में 15 साल के दलित लड़के की दो दबंगों ने पिटाई की, दो लोग गिरफ्तार। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के हत्थे चढ़ा जेब कतरा, सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया। यूपी के कन्नौज में अंतिम संस्कार में शामिल होने गए दो भाइयों की नदी में डूबकर मौत, गांव में पसरा मातम। पश्चिम बंगाल के मालदा में दबिश के बाद लौट रही पुलिस टीम पर बदमाशों का हमला, लेडी कांस्टेबल समेत चार पुलिस वाले जख्मी। बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब ने एक और शख्स की दी जान, जिले में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 19 पहुंचा। बिहार के बेगूसराय में अगवा स्कूली छात्र को पुलिस ने 6 घंटे के अंदर रिहा कराया, दो किडनैपर्स गिरफ्तार। आगरा में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पर्चा लीक, एक परीक्षार्थी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुरैना में सांप काटने से महिला की मौत के बाद 2 घंटे तक चला अंधविश्वास का खेल, शमशान में झाड़फूंक करवाते रहे परिजन। जमशेदपुर में अवैध शराब ठेका बंद कराने पहुंची कांग्रेस की महिला नेता की जमकर पिटाई, शराब माफिया के घर महिलाओं ने पीटा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शॉपिंग मॉल में दुकान से सामान चुराती महिला सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुपरमार्केट में साड़ी के नीचे थैले में खाने पीने की चीजें चुराते दिखी महिला, बच्ची के साथ दुकान में घुसी थी महिला। दरभंगा में बिहार पुलिस का सामने आया बर्बर चेहरा, आरोपी की तलाश में उसके घर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग पिता की जमकर पिटाई। देवरिया में पहाड़ा ठीक से न सुनाने पर महिला टीचर ने मासूम बच्चे की बेरहमी से पिटाई, पुलिस ने दर्ज किया मामला। तेलंगाना के खम्मम में यात्रियों से भरी बस नहर में गिरी, हादसे में 9 की मौत, 15 घायल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर के पास बुरी तरह जली पार्किंग में खड़ी कार, हादसे में कोई हताहत नहीं। महाराष्ट्र के परभणी में विधायक मोहन फड़ की गाड़ी ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर, हादसे में 2 घायल, गुस्साए ग्रामीणों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई। कानपुर में विदेशी टूरिस्ट से लूटपाट, खजुराहो ले जाने के बहाने बदमाशों ने लूटा, बाद में हाईवे पर फेंक कर फरार हुए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दहेज की खातिर सास ने बहू को छत से दिया धक्का, महिला का जज पति गिरफ्तार। हरियाणा के बहादुरगढ़ में टीचर पर छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप, पीड़ित को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराने की नौबत आई। सोनीपत पुलिस ने 2 चंदन तस्करों को गिरफ्तार किया, 80 लाख रुपए की चंदन की लकड़ी बरामद।
महाराष्ट्र के अहमदनगर में नौकरी के बहाने बुलाकर एक लड़की से गैंग रेप, एक आरोपी गिरफ्तार, दो फरार। यूपी के लखीमपुर खीरी के मैलानी गांव में बाघ के हमले में 60 साल के बुजुर्ग की मौत। किशनपुर सेंचुरी से सटा है मैलानी गांव। जलंधर में दो बसों की टक्कर में 4 लोगों की मौत, हादसे में 10 लोग घायल। गुवाहाटी में डेंगू ने पसारे पैर, जून से अब तक डेंगू के 36 मामले सामने आए। कानपुर में भी डेंगू का बड़ा प्रकोप, डेंगू के 36 मामले सामने आने के बाद लोगों में हड़कंप। पशुओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं के विरोध में वडोदरा में लोगों ने निकाली रैली, पशुओं पर अत्याचार रोकने की अपील। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में बप्पा को चढ़ाए गए गहनों की नीलामी, मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च की जाएगी रकम। बीकानेर के जूनागढ़ किले में राजसी ठाट बाट से निकली तीज माता की सवारी, श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़।